से पहले आप तमाम लोगों के बीच में अपनी बात रखूं। आप सभी क्रांतिकारी साथियों को जय जवाहर जय संविधान कहना चाहता हूं। हमारे मंच में विराजमान सभी पदाधिकारी गण, सभी का नाम तो नहीं ले पाऊंगा, समय का अभाव है और अपने खास मुद्दों में बोलना बहुत जरूरी है। हम कई गांव घूमते हैं, हमें बुजुर्ग सिर्फ इनका मकसद है कि हमें संसद बनना है, इनका मकसद है सिर्फ आदिवासियों के बीच में नाच गाना करना है, इनका मकसद है सिर्फ नौटंकी करना है। करके इस बार हमें हमारे ही जैसा गरीब परिवार का, हमारे ही जैसा कष्टकार का घर में जन्म लिए, हमारे ही जैसा गरीब परिवार से जन्म ले बुलंद तो भगवान खड़े को विजयी बनाना है। करके आप लोगों को 26 तारीख को पूरे उसो आवास के साथ काम करना है और ये जिताना है। आप देख रहे हमारे क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र के लोग हर समस्या से त्रस्त है, हमारे क्षेत्र के लोग हर चीज से परेशान है। हमारे लोग मुंबई पुणे ठाणे अन्य राज्यों में जाते हैं, काम करते हैं, शोषण होते हैं, फिर भी आप चाहते हैं कि भाई ऊपर देखना है। और इतने सालों में लोग हमारे क्षेत्र में ना फैक्ट्री बना पाए, इतने सालों में हमारे क्षेत्र में रोजगार नहीं उपलब्ध कराए, अब ये कोई खाक नहीं उपलब्ध करेंगे। अब बलवंत दबाव के साथ में खड़ा रहो, हम आपका शोषण दिलाना चाहते हैं, इस भूमि में रोजगार उपलब्ध करके देंगे। हम बताना चाहते, आप देखो कि नरेगा में हमारे भाई काम करते, नरेगा में काम करने वाले मजदूर भाई का पगार 273 रुपए, और ये मोदी सरकार 273 रुपए कमाने वाले हमारे गोर गरीब मजदूर भाई का दिन में ऑनलाइन 2 बार हाजिरी लिया जाता है। और यहाँ का तहसीलदार, यहाँ का कलेक्टर जिसको 5,000-10,000 रुपए रोज का रोजाना जा रही है, उसका कोई ऑनलाइन नहीं भाई। अरे जो आपको काम दे रहे, जो गड्ढा खोद रहे, और आपका स्वाभिमान और सम्मान का काम नहीं है मेरे भाई, आपके साथ में शोषण हो रहे, आपके साथ में दौड़ रहे, करके हमें बदलाव जरूरी है। और हमारे कांग्रेस सरकार के राहुल गांधी जी ने कहा इनकी सरकार आएंगे तो हमारी रोजंदारी भी 400 ऊपर करेंगे, ये आपको बता के गए। आपको बताना चाहते, ये महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे की सरकार हमारे महिलाओं को फ्री 50% रिजर्वेशन दिया एसटी में, और हमारा सवाल है सिंध सरकार से, अरे भाई ऑफिस का काम, बाजार का काम या इधर उधर के काम, भैया जाति की आदमी इनको मालूम है अगर आदमी को 50% फ्री में किया तो बस में जगह नहीं रह चले रहे, पूरे बस भर जाता था। हमारे समाज की व्यवस्था को खराब करने के लिए ये सारा चीजें का निर्णय लिया है। करके आप तमाम लोगों से विनती है, आप तमाम लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, ये चुनाव नहीं है मेरे भाई, ये चुनाव हमारे अस्तित्व और स्वाभिमान की चुनाव, ये चुनाव हमारी पहचान और लड़ाई की चुनाव, ये चुनाव हम लोगों के आने वाली पीढ़ी को बचाने की चुनाव। आप लोग कई बार पूछते साला कोई भी आ जाता लेकिन कोई विकास नहीं कर रहा। अरे भाई विकास क्यों करेगा, क्योंकि चुनाव से पहले हमारे माता को बहनों को इन्होंने 30-30 रुपए की साड़ी दी, अभी चुनाव के आखिरी दिन आपको भी चिकन मिलेगा, मटन मिलेगा, दारू मिलेगा, क्योंकि इनको पता है इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की समस्या तो यही है, मटन और चिकन और दारू है। मटन और चिकन दारू दे दो ये आपको वोट दे देंगे, ये इनकी सोच है। अब इनकी सोच का जवाब हमें बुलंद भगवान खड़े को जिता के बताना है, क्योंकि हम बिकने वाले लोग नहीं है। आपने देखा होगा आदिवासी समाज का इतिहास है, हम लोगों ने इस भूमि में सर काटना सीखा है पर झुकना नहीं मेरे साथियों, हम स्वाभिमान और सम्मान के लोग करके हमें बिकना नहीं। आप कैसे बिकोगे, हमारे मनों में हमारे विचारों में बिरसा मुंडा का खून दौड़ता है, हमारे रगों में शिवाजी महाराज का खून दौड़ता है, हमारे रगों में रंजन भील का खून दौड़ता है, हमारे रंगों में रेगा कुर्गू के खून दौड़ता है। और आप सतमानिया असली वारिस हैं उनके, तो आपको इस नौटंकी को हराना है और हमारे बुलंद भाव को विजय बनाना है, इस संकल्प ने यहां से लेके जाना पड़ेगा। और मेलघाट का स्वयं घोषित, अभी हमने तो उसके इस बार में असुर कुला बोला और ज्यादा कुछ बोला,
को भी इनकी जगह में हमको बिठाना है, क्योंकि ये बार बार बोलते हैं कि भाई हमें आपका सुख दुख में हमेशा खड़ा रहते हैं। अब सुख दुख में किस तरह से खड़ा रहते हैं ये जनता जानते हैं, और इनके बारे में टंकी की चोट में मन्ना दर्श भी इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरा गांव, मेरा जन्म भी झिल्पी में हुआ है, और झिल्पी में ग्राम पंचायत के चुनाव इनकी क्या हालत बनाया राजकुमार जी पटेल को अच्छी तरह से मालूम है कि मन्ना दर्श भी की ताकत क्या है। इनको इनके तीसरे पीढ़ी राजकारण में होने के बाद गांव जागल करना पड़ा, इनके तीसरे पीढ़ी राजकारण में होने के बाद भी बूथ जागल करना पड़ा, इनके तीसरे पीढ़ी राजकारण में होने के बाद घर घर वोट मांगने पड़ा। और यो इसीलिए है, एक बार आप सब लोग गांव आके देखिए, मेरा गांव में 3000 लोगों की जन्म हुआ है। भारत का कोई ऐसा देश, भारत का ऐसा कोई गांव नहीं, जैसा कोई राज्य नहीं जहाँ पे 3 आमदारों का जन्म हुआ है, वो झिल्पी में हुआ है। विकास का सही मायने देखने आजा झिल्पी में, आज का अच्छी रोड नहीं है। अरे जो नेता अपना गांव का विकास नहीं कर सकता तो क्या था इस मेलघाट का विकास करेगा? करके इस आदमी से भी हमको बचना है, इसको भी हमें आने वाले चुनाव में इसकी जगह पे बैठाना है। बहुत हो गया तुम्हारा उम्र, अब हम युवा पीढ़ी के वक्त आ गया है, अब हम लड़ेंगे क्षेत्र के मुद्दे और लड़ाई के बारे में। करके अंत में अब तमाम लोगों से विनती है कि किसी के बहकाव में नहीं आना, किसी के बातों में नहीं आना है। हम युवा इसीलिए कांग्रेस पार्टी के साथ में जुड़े और उसके साथ में डंगे के चोट में खड़े है, क्योंकि आज हम सब लोगों की पहचान खतरे में है, आपकी संस्कृति खतरे में है, आपका रीति रिवाज खतरे में है, आपका परंपरा खतरे में है, आपका आरक्षण खतरे में है, और ये सब चीजों को संरक्षण सिर्फ मात्र और मात्र कांग्रेस पार्टी दे सकता है, बीजेपी पार्टी नहीं देगा, क्योंकि इनको अपने आरक्षण से, अपनी संस्कृति से, अपनी परंपरा से कोई लेना देना नहीं है। करके कांग्रेस पार्टी के साथ में आप डंके के चोट पे खड़ा रहो। इतना बोल के अपनी 2 शब्द यहाँ पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद।